हेलो फ्रेंड्स, द कनक्स किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम से खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने दो आम का छिलका उतार के और कच्चे आम का छिलका उतार के लिया है। अब इसको हम लोग कट करेंगे। ये मैंने आम को छोटे छोटे पीस में काट लिया है और उसके बाद हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस चलाएंगे। गैस जला के फिर इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, सरसों तेल हो या रिफाइंड हो। मैं रिफाइंड में बना रही हूँ। इसमें कुछ लोग पहले तेल गरम हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम एक तेज पत्ता डालेंगे, फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर, खड़ा जीरा, दो लाल मिर्च तोड़ के, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और दो हरी इलायची कूट के कुछ चलाते रहेंगे। लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये आम। आम डाल के मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनेंगे। हम थोड़े से और भूनने होंगे इसको, आम पक जाने चाहिए भूनते भूनते। इसको थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे। नमक का भी टेस्ट आता है, तो खट्टा मीठा नमकीन सब टेस्ट रहता है इसमें। फिर एक दो मिनट और चलाएंगे। लगभग ये आम पक चुका है भून के। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के थोड़ी देर इसको एक मिनट के लिए भूनेंगे। आम पक चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे एक कटोरी चीनी, थोड़ा सा पानी, इसको अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ काजू टुकड़ा करके और किशमिश। टेस्ट के हिसाब से ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ढक के पकाएंगे। लगभग ये 5 मिनट पकते हुए हो गया है। अब ये आम की हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देते हैं। ये है आम की खट्टी मीठी चटनी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।